So hello my YouTube family, how are you? So today again I am here for a new video. So today I will share with you my best arm and shoulder workout. Okay? So इसमें आपको मैं सारी एक्सरसाइज शेयर करूँगा अपनी, तो आपको ये लाइव दिखेगा. इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ योर मशीन शोल्डर प्रेस है. इसके आपने गाइस 3 सेट लगाने हैं. ये अगर आपके जिम में मशीन है तो इट इज़ ओके, अदरवाइज आप इसको रॉड से भी लगा सकते हैं. तो आप इसको हैवी लगा सकते हैं, इसका सिटिंग पोजीशन में आपने इसको लगाना है. तो ये आपके शोल्डर को स्ट्रेंथ देता है बेसिकली ये एक्सरसाइज ना. तो ये इसके आपने 3 सेट लगाने गाइस. तो इसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज आती है दैट इज फेस पुल. इसके आपने 3 सेट लगाने हैं 15 रेपिटेशन. ओके, ये जो एक्सरसाइज है ये आपके शोल्डर और जो उसके बैक के मसल्स होते हैं उनको बीच में कॉन्टैक्ट करती है, उसमें आपको मसल का शो अप करेगी उसके बीच में. ओके, इट्स अ वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज. तो ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज है शोल्डर की. सो इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज आपकी आती है डंबल के साथ, दैट इज डंबल शोल्डर प्रेस. इसके गाइस आपने फिर अगेन 3 सेट लगाने हैं, 12 रेपिटेशन या 13 रेपिटेशन या 10 रेपिटेशन, जितने आप लगा सकते हैं इजिली. हैवी लगाने की कोशिश करें, लाइट से स्टार्ट करें और हैवी पे पहुंचे. ओके, सिटिंग पोजीशन में आप इसको लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो ये आपकी शोल्डर की शेप में आपकी हेल्प करेंगे और साइज में भी हेल्प करेंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट इसके बाद जो शोल्डर की एक्सरसाइज आती है दैट इज जो हम रोड के साथ खड़े होकर लगाते हैं. सो द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज योर बारबेल शोल्डर प्रेस. इसके आपने 3 सेट लगाने हैं, 10 या 12 रेपिटेशन के साथ लगाने हैं. तो ये एक्सरसाइज बेसिकली मेन एक्सरसाइज होती है शोल्डर की, जो आपको शोल्डर में मास ऐड करती है. इट विल गिव यू द साइज ऑफ योर शोल्डर, एक प्रॉपर शेप में लेके आएगी, आपकी बॉडी की अलाइनमेंट करेगी. तो ये एक्सरसाइज आप शोल्डर की करिए. शोल्डर की एक्सरसाइज के बाद आपकी आती है बाइसेप की एक्सरसाइज. फर्स्ट आती है बारबेल कर्ल, 3 सेट लगाने हैं आपने इसने, जिसके 12 रेपिटेशन आपने ईच लगाने हैं. सो ये एक्सरसाइज आपकी बाइसेप, मैं शोल्डर के साथ बाइसेप का कॉम्बिनेशन रहता हूँ, तो इस एक्सरसाइज से आपके शोल्डर का साइज बढ़ता है बेसिकली, बाइसेप का साइज बढ़ता है. सेकेंड एक्सरसाइज आपकी आती है डंबल कर्ल. इसके आपने 3 सेट लगाने हैं 12 रेपिटेशन के साथ. ये भी आपकी रोड के साथ ही होती है, लेकिन ये क्या करती है आपकी शेप में भी हेल्प करेगी और मसल के साइज में भी हेल्प करेगी. आप देख रहे हैं मैं कैसे लगा रहा हूँ, आप इसको ऐसे ही लगाएं गाइस, बिल्कुल डंबल अपने हिसाब से उठाएं, अपने बॉडी वेट के हिसाब से जितना आप आराम से ईजी कैरी कर सकें उतना डंबल आपने उठाना है, और ये एक्सरसाइज आपने परफॉर्म करनी है जिम के अंदर. ओके, तो ये आपकी जो बाइसेप की है ये सेकंड एक्सरसाइज है. फर्स्ट आपने रोड के साथ की है, सेकंड आपने डंबल के साथ की है. सो थर्ड आपकी जो एक्सरसाइज आती है दैट इज हैमर कर्ल. ओके, अब ये एक्सरसाइज आपकी ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके मसल के साइज को बढ़ाएगी. इट विल गिव यू द बाइसेप साइज. ये शेप के लिए नहीं होती, ये साइज के लिए होती है. इसके भी आपने 3 सेट लगाने गाइस. ये आप देख रहे हैं मैं कैसे लगा रहा हूँ, आपको शो भी हो रहा होगा कि जब आप ये एक्सरसाइज लगाते हैं आपको बाइसेप नहीं नजर आएगा. हाँ, क्योंकि ये क्यों नहीं नजर आएगा, बिकॉज ये आपको इसके शेप में नहीं काम करती, इसके साइज में काम करती है. तो ये एक्सरसाइज वो लोग लगाएंगे जो अपने बाइसेप का साइज चाहते हैं. तो ये एक्सरसाइज जरूर ऐड करिए अपने बाइसेप रूटीन के अंदर. तो इसके बाद जो एक्सरसाइज नेक्स्ट आती है जो अपने निचले पोर्शन को रेस्ट दे के करनी है, इसको हम कहते हैं डंबल प्रिच और हैमर कर्ल. ये अपने 3 सेट लगाने हैं 15 रेपिटेशन के. ओके, ये एक्सरसाइज गाइस इतनी इफेक्टिव है, इसको अपने लाइट वेट के साथ लगाना है और रेपिटेशन ज़्यादा लगानी है. ये भी आपकी मसल का साइज बढ़ाएगी, ये आपको शेप नहीं देगी लेकिन मसल का साइज बढ़ाएगी आपके बाइसेप का. तो गाइस ये एक्सरसाइज आप मेरे अपने रूटीन में ऐड करिए और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा. थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच.